प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अब सरकार को इलेक्शन मोड से निकलकर विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जनता ने जनादेश दिया है, जबकि भाजपा खरीद फरोख्त में लगी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस विपक्ष के बजाय सत्ता में आने का प्रयास करेगी। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में जहां धर्मशाला में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, जबकि नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि निगम चुनाव में कांग्रेस की मत प्रतिशतता बढ़ी है, लेकिन उसे हम जीत में तब्दील नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर निगम चुनाव में सत्ता और धन बल का प्रयोग किया। कोरोना काल में चुनाव हो रहे थे तो मंत्री भीड़ के साथ प्रचार कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कांग्रेस ने निगम चुनाव में मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष की भूमिका बेहतर ढंग से निभाई है। उन्होंने कहा कि चार नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को सोलन व पालमपुर में बहुमत मिला है, वहीं धर्मशाला में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। पत्रकारों के सवालों के जवाब में डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ मायने रखता है, किसी व्यक्ति विशेष की फोटो नहीं। जो गलतियां कांग्रेस ने पहले की हैं, उन्हें कांग्रेस अब फिर नहीं दोहराएगी। हम मंथन करेंगे ये कांग्रेस पिछली बार जो सत्ता में थी नगर निगम में, अब हम क्यों पीछे गए हैं। पर आप ये बात मान के चलिए कि किसी भी सरकार के खिलाफ, और वो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रदेश स्तर पे भी कोई भी इलेक्शन लड़ना बहुत ही दमदार काम है। ये संगठन तो उतारते ही उतारते हैं, साथ में पूरी सरकार को भी इलेक्शनों में झोंक देते हैं, जिससे कि प्रजा को नुकसान होता है। तो मेरा मानना है कि हमने सरकार के धन बल के खिलाफ और बल के खिलाफ हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। दुख तो रहेगा कि हम बहुमत नहीं ला पाए, पर फिर भी कहीं संतावना है कि 5 सीटें हम जीते हैं और 2 कांग्रेस विचारधारा के लोग जीते हैं। आपने वोट परसेंटेज भी बात कही है, हाँ, तो क्या पिछली बार से ज़्यादा? हाँ, अगर हम इसको मान के चलें कि इससे पिछला इलेक्शन हमारा विधानसभा का हुआ था बाई इलेक्शन, तो उसमें तो हमारे कैंडिडेट अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पार्टी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई थी। ये एक बाई इलेक्शन वैसे मुश्किल होता है, ऊपर भाजपा की सरकार थी। पर उससे कंपेयर करें और इस इलेक्शन में वोट परसेंटेज का कंपेयर करें तो कांग्रेस को 34.58% वोट्स मिले हैं और बीजेपी को 34.10% वोट्स मिले हैं। तो वोट प्रतिशत बीजेपी का कम है, पर हम उसको वोट प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसकी दुर्बलता कहाँ रही, कमजोरी कहाँ रही, उसका हम आकलन करेंगे। डिप्टी मेयर, मेयर के चुनावों को लेके हम जो भी अभी की भाजपा के पास में बहुमत नहीं है, कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं है, तो हम जो हमारे लाइक माइंडेड पीपल हैं, 2 तो हमारे जीते हुए हैं, 7 लोग तो हम होते हैं, 2 लोग और भी हैं, उनसे विचार करेंगे, पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। मूल्यों से, अपने नैतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जो हमारे सिद्धांतों को मानते हैं, विचारधारा को मानते हैं और धर्मशाला की प्रगति में विश्वास रखते हैं, उनको हम साथ ला के धर्मशाला को एक अच्छा नेतृत्व देने की कोशिश करेंगे।